एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप टेलीफोन कर रहे हैं 0519224900 पे, हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे तो आपसे पूछना है कि पहले बताएं आपका 100 डेज प्लान था क्या? देसी मुर्गी, अंडे, टीके, मतलब What nonsense is this? आप you're the prime minister of the country और आप क्या बातें कर रहे हैं कि आप जो है वो एक stupid बात करके जो है अपने जो आपको पता है कि आवाम ने पूछना है कि आपने क्या किया है। आपने कहा था कि 100 दिनों में आप पता नहीं मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, जब आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया और उल्टा आपने डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, सब्सिडीज आपने खत्म कर दी है, रुपए की कोई कीमत नहीं रही, महंगाई आसमानों को छू रही है। जब इन सब बातों का जवाब देना था तो आपने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आपके पास मुझे नहीं लगता बताने के लिए कुछ भी अब बचा है, इसलिए आप दिवाली गिराने की बातें कर देते हैं, कभी जो है वो भैंसे बेचने की बातें कर देते हैं, कभी गाड़ियां नीलाम, इस तरह इकोनॉमी नहीं चलती। हमारी हुकूमत में असद उमर साहब जो है वो हर रोज कैलकुलेटर लेके आ जाते थे, कैलकुलेट करके बताते थे कि जी पेट्रोल की प्राइस 46 होनी चाहिए, डॉलर इतना होना चाहिए, रुपए इतना होना चाहिए। अब असद उमर साहब का कैलकुलेटर किधर है? उनसे क्या हमें बताएं, हमें कैलकुलेट करके दिखाएं, क्योंकि अब आवाम परफॉर्मेंस चाहती है। आप कुछ परफॉर्म नहीं करें और जो हमने बनाया था, जितना हम इकोनॉमी को ऊपर लेकर गए थे, जितना मुल्क बेहतरी की तरफ चल रहा था, वो सब दबाव और बर्बाद कर दिया। जी मैं देखिए, मैं पहले तो ये एक चीज कहना चाहता हूं, माना महंगाई है, हाँ हम पूरा लगे हुए हैं महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए। मैंने खुद आपको कहा कि मैं नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तारीन को लेके ही इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि तुमने महंगाई कम करनी है, जो भी हम कर सके। कई चीजें हमारे हाथ में, कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन महंगाई के अलावा अगर आप ये कहें कि जनाब जो 50 साल में जो तबाही मची हुई है मुल्क की, या 30 साल में, खास तौर पर ये जो दो जमातें आई हैं जिन्होंने स्वयं लूट मार के किया कुछ नहीं है, ताकतवर इकट्ठे हो जाते हैं, कार्टेल्स या मोनोपली बना लेते हैं, जिस तरह शुगर मिल्स एसोसिएशन इकट्ठी होकर खुद ही फैसला करती है कि चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। यानी चीनी एक एसेंशियल आइटम है, ये गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए। अब तक ये पहली दफा अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है और चीनी की कीमत नीचे आई है, नहीं तो वो वही फैसला करते थे कि चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। उसके अलावा जो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जरा भैया आपको बता भी दूं, इस वक्त दुनिया के अंदर कमोडिटी की कीमतें ऊपर जा रही हैं। मैं अब आपको जरा ये वर्ल्ड बैंक की सर्वे है, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि दुनिया में अब वर्ल्ड बैंक की सर्वे है कि जो एनर्जी है, बिजली गैस वगैरह, वो 64% ऊपर गई है दुनिया में। नॉन एनर्जी 30% ऊपर गई है। खाने पीने की चीजें 29.4% ऊपर दुनिया में गई है। मेटल्स यानी सरिया वगैरह जो चीजें इस्तेमाल, 41% दुनिया में ऊपर गई है। क्रूड ऑयल 84% ऊपर गया है, क्योंकि एक बार नीचे आके फिर ऊपर गया। कॉटन दुनिया में 44% ऊपर गई है। पाम ऑयल, ये जो हम सब जो घी महंगा है, जो लोग शोर मचाते हैं क्योंकि हम ज्यादातर घी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल 54.8% ऊपर गया दुनिया में। सोयाबीन ऑयल 36.6% ऊपर गई है। चीनी दुनिया में 14.5% ऊपर गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बदकिस्मती से ये जब से कोविड आई है, जो कोरोना की वजह से सप्लाईज इफेक्ट, दुनिया में इसका इंपैक्ट गया। मैं सिर्फ एक और, एक ब्लूमबर्ग की ये इंटरनेशनल चीज है, ये एग्रीकल्चर का, सिर्फ ये बता रहा हूं कि फूड इन्फ्लेशन दुनिया में और पाकिस्तान में किधर गई है। ये में दो हैं, ये ऊपर है पाकिस्तान की लाइन और ये नीचे है ये दुनिया के अंदर। ये जरा मुलाहिज़ा फरमाएं, पाकिस्तान फिर भी हम इसको इस तरह नीचे रख के बैठे हुए हैं, दुनिया की ये जरा कीमतें देखें कि ये किस तरफ ऊपर जा रही है। मैं पहले तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम कोई दुनिया में कोई जजीरा नहीं है, हम जो दुनिया में होता है उसका इफेक्ट होता है हमें। लेकिन मैं आपको अब जो चीज जो आपके सामने लाना चाहता हूं, वो दूसरी चीज जिससे कीमतें बढ़ती हैं वो है बिजली। जब बिजली ऊपर जाती है तो दुनिया में कीमतें ऊपर चली जाती हैं, पाकिस्तान में हर चीज ऊपर चली जाती है बिजली की वजह से। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त मसले हमें महंगाई के पड़े हुए हैं, कई हमारा इसमें, एक तो इंटरनेशनल कीमतें ऊपर चली गई, हम उसका क्या करें? जिधर हम कर सकते थे पेट्रोल, हमने सबसे इलाकों के अंदर कम पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं इस वक्त,
क्योंकि हमने उनके ऊपर लेवीज और टैक्सेस नहीं लगाए। जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बदकिस्मती से हम फंसे हुए हैं उनके ऊपर, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम चैलेंज करते हैं वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए इन्होंने। हम कोशिश करके आईपीपी से हमने उनकी कीमत कम की है, ये भी बड़ी बात है, हमारी अब टीम ने ये कम कर दिया है। और जो फिर गैस का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारी गैस नीचे जा रही है, ज़्यादा गैस हमें बाहर से लानी पड़ रही है, तो गैस का भी हमने अपनी तरफ से पूरी कम कीमत के ऊपर गैस लिया, ताकि आवाम के ऊपर कम बोझ पड़े। ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके लोगों से आवाम को तकलीफ पहुंचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है। कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। और मैं आपको सामने एक चीज मैंने देखा लोगों को बताने के लिए कि कितना फर्क होता है जब आप ताकतवर होते हैं इस मुल्क में, करते क्या रहे हैं, जो ताकतवर है वो कैसे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। अब सारा जो मुल्क का टॉप, जितने भी बड़े बड़े सियासतदान और जो ताकतवर, वो सारे शुगर मिल्स उनकी हैं, सबकी शुगर मिल्स हैं। अब वो शुगर, आप ये सोचें कि एक रुपया जब चीनी महंगी होती है तो 5 अरब रुपया अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला जाता है। अगर 20 और हमारे दौर में 25 रुपए चीनी महंगी हुई, तो ये सोचें कि 100 अरब रुपए से ज्यादा अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला गया। लेकिन वो शुगर मिल्स जो सारे ताकतवर के पास है, अब ये जरा सोचें कि उन्होंने आज तक टैक्स कितना दिया है। 5 सालों में हम निकाल रहे थे, उन्होंने 5 सालों में टैक्स कितना दिया है, 22 अरब रुपया। इसमें से इनको रिफंड कितना मिला है, 12 अरब रुपया। तो रह गए सिर्फ 10 अरब रुपया इन्होंने टैक्स दिया, और इनको 5 सालों में सब्सिडी कितनी मिली है, 29 अरब रुपया। यानी कि पाकिस्तान को ये जो ताकतवर हैं, ये क्योंकि ये ताकतवर हैं, इवानों में बैठे रहे हैं, इनके शरीफों की भी शुगर मिल्स हैं और वो जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं, ना ये टैक्स देते हैं, चीनी जब चाहिए महंगी कर देते हैं, चीनी बन जाती है 3 महीने में, गन्ना जाता है शुगर मिल में, चीनी बन गई, लेकिन सारा साल चीनी की कीमत ऊपर जाती रहती है। इसलिए हमने इन सारे माफियाज, ये मेरा वादा आपसे, सारे माफियाज के ऊपर कोई किसी से रियायत नहीं होगी, लेकिन नाइंसाफी किसी से नहीं होगी।